वो कौन सा युद्ध था हनुमान जी के जीवन का, जो अगर कुछ और देर लड़ जाता तो दुनिया का हो जाता सर्वनाश। क्या हनुमान जी और महादेव के बीच हुआ था भीषण युद्ध? क्यों उठाया हनुमान जी ने महादेव पर अस्त्र? हनुमान जी को महादेव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, पर राम कथा में एक ऐसा भी जिक्र मिलता है जहां हनुमान भगवान को हो गए महादेव पर हथियार उठाने को मजबूर। कैसे हुई ये लड़ाई और क्या रहा इसका परिणाम, जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब की है जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध का घोड़ा चलते चलते देवपुर पहुंच गया था। वहां वीरमणि नाम का राजा रहता था। वीरमणि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब शिवजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा कि हे प्रभु, कृपा आप मेरे नगर के रक्षा के लिए यही रह जाए। तब से भगवान शिव देवपुर की रक्षा खुद किया करते थे। इसी कारण से वीरमणि को अहंकार हो गया था। उसने अश्वमेध का घोड़ा देखकर उसे बंदी बना लिया। शत्रुघ्न को जब ये पता चला तो उसने देवपुर पर चढ़ाई कर दी। इस भीषण लड़ाई में हनुमान भगवान ने कुछ ही पलों में वीरमणि की ज्यादातर सेना को खत्म कर दिया। वही वीरमणि खुद भी भरत के बेटे पुष्कल से हार कर घायल हो गया। वीरमणि ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार अपने भक्त की ऐसी हालत देख भगवान शिव ने उसकी रक्षा के लिए नंदी और वीरभद्र को भेजा। नंदी हनुमान जी से युद्ध में हार गए, पर वही दूसरी तरफ वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। पुष्कल के वध से उन्हें बहुत दुख हुआ और शत्रुघ्न और हनुमान जी शिव के गणों की सेना पर टूट पड़े। ये देखकर भगवान शिव खुद वहां लड़ने के लिए आए। कहते हैं कि उन्होंने शत्रुघ्न से 11 दिन तक युद्ध किया, जिसके बाद शत्रुघ्न बेहोश हो गए। शत्रुघ्न के बेहोश होने पर हनुमान जी ने खुद शिव जी से युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर कई घातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। शिव जी के नाग अस्त्र को हनुमान जी ने मायूरास्त्र से विफल कर दिया। शिव जी त्रिशूल से लड़ते तो हनुमान जी गदा उठा लेते। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध देखकर धरती कांपने लगी। देवताओं ने दोनों से आह्वान किया कि संसार की भलाई के लिए वो ये युद्ध रोक दे, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो वो भी राम के भक्त है, लेकिन इस समय वो अपने भक्त की रक्षा के लिए वचनबद्ध है, तो वो लड़ाई नहीं रोक सकते। हनुमान जी ने भी कहा कि वो अपने स्वामी श्री राम की ओर से लड़ रहे हैं। इस तरह लंबे समय तक दोनों का युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर में शिवजी ने हनुमान जी से खुश होकर उन्हें एक वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने उनसे ये वर मांगा कि वे पुष्कल को जिंदा करने और शत्रुघ्न जी को बेहोशी तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी लाने दे, तब तक वो उनके शरीर की रक्षा करे। महादेव ने उनकी बात मान ली। संजीवनी बूटी के प्रभाव से पुष्कल जीवित हो गया और शत्रुघ्न भी होश में आ गया। शत्रुघ्न जी ने फिर से शिवजी से युद्ध करना शुरू कर दिया, पर लाख कोशिश के बाद भी युद्ध का परिणाम नहीं निकल रहा था। तब हनुमान जी के कहने पर शत्रुघ्न जी ने भगवान राम का आह्वान किया। श्री राम साक्षात वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री राम के युद्ध भूमि में आते ही शिव जी ने हथियार त्याग दिए और उनके शरण में चले गए। वीरमणि को एहसास हो गया कि उसने श्री राम का अश्व चुरा कर बहुत बड़ी गलती की है। उसने श्री राम से माफी मांगी और अश्वमेध का घोड़ा वापस कर दिया और इस तरह एक प्रलयकारी युद्ध का अंत हुआ। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हनुमान भगवान से जुड़ी ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय बजरंगबली।